हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, जस्ट बिकॉज मेरी मदर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मेडिकल इश्यूज थे। सो सॉरी फॉर लेट। और चलिए शुरू करते हैं। हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने क्लाउड फॉर्मेशन से कैसे हमने S3 बकेट क्रिएट किया था, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन से EC2 क्रिएट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड फॉर्मेशन से कैसे हम VPC क्रिएट करते हैं, राइट है? तो हमारा जो ये क्लाउड फॉर्मेशन का टॉपिक है, ये दो ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टू वीडियोज में। इसके बाद हम लोग लैम्डा करेंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं और लेट्स गो। हम चलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन पे। पहले सर्च किया क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है? ये मैंने सर्च किया क्लाउड फॉर्मेशन, इस पर क्लिक किया, ठीक है? यहाँ पे आ गया है लिख करके क्रिएट स्टैक। मैंने क्रिएट स्टैक पर टिक किया, ठीक है? अब आप देखो टेम्पलेट इज रेडी, मेरा टेम्पलेट रेडी है, अपलोड टेम्पलेट फाइल, ठीक है? तो एक टेम्पलेट फाइल है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? आप उसे ओपन कर सकते हो, विजुअल कोड में भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल भी कर सकते हो नोट पैड में, ठीक है? तो मैंने क्या किया, रिसोर्सेज है मेरे पास, ठीक है? ये रिसोर्सेज हैं, ये मेरे EC2 इंस्टेंस का नाम होगा, ठीक है? टाइप के अंदर आ जाएगा AWS, सर्विस है मेरी EC2, ठीक है? इंस्टेंस, राइट? प्रॉपर्टीज आ गई, इमेज आ गई, इमेज आईडी है मेरी ये, ठीक है? इसे कैसे मैंने किया है, इसे मैंने इमेज आईडी मेरी कहाँ से मिली है, सपोज करो मैं यहाँ से करता हूँ इसको डुप्लीकेट, ठीक है? डुप्लीकेट किया मैंने और यहाँ मैंने सर्च किया EC2, ठीक है? और यहाँ मैंने किया सर्च, मुझे AMI तो लेना पड़ेगा ना कहीं से, तो इंस्टेंस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है? और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। यहाँ से मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ इंस्टेंस, मैं सिर्फ मुझे एक AMI लेनी है आईडी, तो मैं यहाँ ब्राउज मोर AMI करूँगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, जैसे मैंने किया सेलेक्ट ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर ये 7 से लेकर के A तक, ये मैंने किया सेलेक्ट, यहाँ से किया कॉपी, कोड पे गए, राइट क्लिक किया यहाँ पे और पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक? आप देख सकते हो 8B7 तक है, ठीक है? और ये मेरा की नेम है, की नेम मैंने कहाँ से कॉपी किया, ये मैंने गया हूँ इसमें EC2 पे वापस से, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऑप्शन होता है की पेयर का, तो की पेयर मैंने क्लिक किया और ये मेरी सारी कीज आ गई हैं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया NV को, छोटा है, ईजी है, ठीक है? तो यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने एंड यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक करके इसे कर दिया पेस्ट, ठीक है? तो आप भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ब्लॉक डिवाइस मैपिंग है, इसके अंदर मैंने डिवाइस लगा रखी है, डिवाइस के अंदर SDM मेरी डिवाइस लगी है, आप यहाँ पे SDC SDA कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? और EBS वॉल्यूम लगा है जो कि IOPS 1 है, ठीक है? इसका IOPS वैल्यू कितनी है, 200। डिलीशन टर्मिनेशन है फॉल्स, मतलब कि जब मैं स्टैक को डिलीट करूंगा तो वो भी, सॉरी, जो मेरा EC2 इंस्टेंस होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, राइट? वॉल्यूम साइज है इसका 20 GB, ठीक है? और मैं इसे करता हूँ सेव, ये मैंने कर दिया सेव। अब आप देखोगे जो मेरा पास EC2 इंस्टेंस है मेरा, क्या कोई रन कर रहा है यहाँ पे? नहीं कर रहा है ना, नो इंस्टेंस रनिंग, ठीक? तो मैं वापस अपने क्लाउड फॉर्मेशन पे गया, स्टैक पे गया, यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक किया मैंने और ये है मेरा EC2 वाया क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट, इसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया एंड नेक्स्ट, ठीक है? यहाँ पे मैं स्टैक का नाम डाल दूंगा, स्टैक का नाम है मेरा EC2, सपोज करो EC2 स्टैक 20 नवंबर, ठीक है? और यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट, स्टैक इसमें वो नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने कर दिया इसका नाम EC2 स्टैक 20 नवंबर, इसे कर दिया नेक्स्ट, ठीक है? टैग में डाल देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो डाल देता हूँ नेम, इसका नाम डाल देता हूँ EC2, ठीक है? EC2 क्लाउड फॉर्मेशन और डेट डाल देता हूँ 20th नवंबर, ठीक है? ये मैंने कर दिया अपलोड और यहाँ से कर दूंगा मैं नेक्स्ट, ठीक है? अब आप देखो ये एक मतलब रिव्यू करने को दे दिया है, ठीक है? मैंने कर दिया एंड सबमिट, अब मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है? आपको मैंने दिखाया यहाँ पे नो इंस्टेंस है, ठीक है? अभी यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया प्रोग्रेस, ठीक है? क्रिएट इन प्रोग्रेस, राइट? अभी ये प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है, अब मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे कोई इंस्टेंस लॉन्च होता है कि नहीं होता है, अभी तो नहीं हुआ। ओके, तो मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, रोल बैक इन प्रोग्रेस, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई इसमें, क्लाउड टेक बर्नर फेल टू क्रिएट रोल बैक बाई रिक्वेस्ट बाई यूजर, आर्किटेक्चर ऑफ दिस इंस्टेंस टाइप डज नॉट मैच। ओके, ठीक है, मैं समझ गया, इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि जो मैंने AMI यूज़ कर ली है वो मैंने गलती से दूसरी यूज़ कर ली। मैं आपको बताता हूँ कैसे गलती आई है, मैं वापस से लॉन्च इंस्टेंस पे जाऊँगा एक बार, ठीक है? इस पे जो गलती हुई वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपसे भी हो जाए, तो इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे ब्राउज मोर AMI किया मैंने, मुझे 64 बिट वाला करना था, राइट? ये
n/86 लिखा है, जो मुझे ये वाला करना है, ARM वाला नहीं, ठीक। तो मैंने यहाँ से किया इसको सेलेक्ट 63 तक को, कॉपी किया एंड वापस से मैं अपने कोड पे जाऊँगा। कहाँ है मेरा कोड, ये रहा, ठीक है। डबल क्लिक किया मैंने, इसे ओपन किया और यहाँ पे मेरी गलती थी, इसको मैंने किया ओके। यहाँ से मैंने इसे किया सेलेक्ट एंड पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अब मैंने कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया इसको। अब हम ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, वापस से, ठीक है। इसने रोल बैक कर दिया है, कोई बात नहीं, हम वापस अपने स्टैक पे जाएंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये मेरा काम नहीं हुआ इससे बना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लिए भी बेटर ऑप्शन है ये कि एक बार हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने क्रिएट स्टैक किया, टेम्पलेट मेरा रेडी है, अपलोड टेम्पलेट फाइल, चूज फाइल, ठीक है, एंड EC2 वाया क्लाउड फॉर्मेशन, नेक्स्ट, ठीक है। स्टैक नेम डाल देता हूँ 20 नवंबर, क्योंकि ये स्टार्ट तो आई थिंक होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसे डाल देता हूँ स्टैक 20 नवंबर 01, ठीक है। नेक्स्ट टैग डाल देता हूँ इसका नेम EC2-01 वाया क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक, ये इसका नेम डाल दिया मैंने। अब स्टेक फेल होगा, अगर कोई फेलियर आता है इसमें तो ये रोल बैक हो जाएगा, राइट। और मुझे कोई रोल मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो फिलहाल मुझे इसकी परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है एंड स्टैक पॉलिसीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ नेक्स्ट, सबमिट। एंड अब हमें देखना है कि क्या ये रोल बैक करता है फिर से। ओके, यूज़र इनिशिएट हो चुका है, आईडी बन चुकी है आपकी, क्लाउड टेक बनर की तरफ आप बढ़ चुके हो, ठीक है। रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड, ठीक है। क्या मेरा यहाँ पे कोई इंस्टेंस अभी आया है? ओ यस, EC2-01 क्लाउड फॉर्मेशन, यही था ना मेरा नाम। तो ये देखिए, ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, पेंडिंग स्टेट पे है अभी ये। यहाँ पे जैसे लिखा है कंप्लीट, अभी ये हो रहा है, पर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम ये वैसे लेता नहीं है। सी दिस, ये मेरा हो गया है डन, ये मेरा हो गया है डन, सी दिस, क्लाउड टेक बर्नर इसने बन डन कर दिया, राइट। मैंने जो आईडी बनाई थी और ये हो गई है डन, यहाँ से क्रिएट कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ पे मेरा इंस्टेंस भी खुद ब खुद लॉन्च हो गया है, ठीक है। आपने देखा ये कैसे मैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू मैंने EC2 इंस्टेंस खुद से लॉन्च कर लिया। बस आप वो ध्यान रखना कि जब हम अपनी जो AMI आईडी लेंगे वो Multiply86 लेंगे, ठीक है, n/86 वाली लेंगे, ARM वाली नहीं लेंगे, जो कि मैंने गलती से राइट साइड वाली ले ली थी। आप भी लेफ्ट वाली ले लेना अगर आपके पास ऑलरेडी AMI होगा। जैसे कि आप यहाँ AMI पे क्लिक करोगे, राइट, जैसे आपने AMI पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई AMI नहीं है तो मुझे वहां जाके लेना पड़ा। अगर आपके पास AMI होगा तो आप ये AMI, यहाँ पे आईडी लिखी होती, ये AMI आईडी यहाँ से भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने फिलहाल वो नहीं लिया है एंड अभी हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। अगर मैं अपने स्टैक पे गया, ठीक है, ये मेरा डन हो गया है। आज का वीडियो अपना ये वीडियो यही था, ठीक है। इंस्टेंस टाइप इसने बाय डिफॉल्ट M1 स्मॉल ले लिया, ठीक, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं इसको डिलीट करता हूँ तो क्या वो डिलीट होगा। चेक करते हैं, मैंने स्टैक को किया डिलीट, डिलीट इन प्रोग्रेस, तो देखना मुझे ये है कि इसका क्या हुआ। वाओ, शटिंग डाउन। मैंने आपसे कहा था ना कि जो उसकी डिलीशन पॉलिसी थी वो फॉल्स थी, मतलब कि अगर मैं स्टैक डिलीट करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही आप चीज़ें बना सकते हो क्लाउड फॉर्मेशन से। जरूरी नहीं आपको EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करना है ये आपको नहीं पता है। अगर आपके पास टेम्पलेट है, जो कि जैसन, जिन्होंने जैसन सीखा है उनका काम है जैसन फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, तो वो कोडिंग करेंगे। आपको टेम्पलेट मिल गया, आपको बस ये आना चाहिए कि उस टेम्पलेट को मुझे कैसे यहाँ पे अपलोड करना है जिससे मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाए। तो अगर आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना नहीं आता है, आपको कोड मिल गया है, आप जेसन फॉर्मेट पे लो, YAML फॉर्मेट पे लो और उसको क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू अपलोड कर दो, राइट। तो ये मेरा बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन, हमने S3 बकेट देख लिया, EC2 इंस्टेंस देख लिया। कल मैं एक बार आपको VPC दिखा देता हूँ, VPC कैसे करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको VPC बता देता हूँ एंड हमारा देन क्लाउड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक एरर भी आया जिससे मुझे सीखने को मिला, आपको मतलब सीखने को मिल जाएगा उससे कि मुझे क्या चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो एरर आना भी इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरा आज का वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। एंड तब तक के लिए गुड बाय।